बिग बॉस 13 के दो स्टार आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों का ही म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि दर्शकों की तरफ से किस वीडियो को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, किस वीडियो को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है और कौन सी वो वीडियो है जो कि दर्शकों को अच्छा लगा है देखने में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप लोग हर खबर से वाकिफ रहे सबसे पहले। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आसिम रियाज का हिमांशी खुराना के साथ सॉन्ग आया कल्ला सोना, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का एक सॉन्ग आया जिसका नाम था भुला दूंगा, दोनों ही रिलीज हो चुकी है, दोनों ही सोशल मीडिया पर धमाका मचाया है। आप सभी को बता दूं कि दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों की सॉन्ग के मेकर्स, उनको जो है उनसे ज़्यादा मिला है, उनसे बहुत ज़्यादा मिला है और इस दोनों सॉन्ग को ब्लॉकबस्टर कर दिया है दर्शकों ने। लेकिन आखिर किसको कितना व्यू मिला, आखिर कौन ज़्यादा व्यू ले रहा है, किसको दर्शक ज़्यादा पसंद कर रहा है, सवाल यही है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसा मुकाबला बिग बॉस के घर के अंदर था आसिम और सिद्धार्थ का, वैसे ही बाहर चल रहा है उन दोनों के फैन के बीच में। आसिम रियाज के फैन और सिद्धार्थ शुक्ला के फैन अपने अपने हीरोज को, अपने अपने मॉडल्स को जो है भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी में ऐसा सवाल आ रहा है कि किसको ज़्यादा भीड़ मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के सॉन्ग भुला दूंगा को। जी हाँ दोस्तों, भुला दूंगा सॉन्ग को रिलीज हुए दो दिन हो गए हैं और आप सभी को बता दूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मतलब एकदम हाई एक जो है होता है वैसा इनको जो है रिव्यू मिला है दर्शकों की तरफ से और बहुत सारा प्यार मिला है। आप सभी को बता दूं कि भुला दूंगा सिटनाज का सॉन्ग को अभी जो है तकरीबन 18 मिलियन व्यू मिला है। जी हाँ दोस्तों, दो दिन हुए हैं सॉन्ग को और 18 मिलियन व्यू, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। ऐसा व्यू मिलना, ऐसा जो है प्यार मिलना दर्शकों की तरफ से कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है इस सॉन्ग को। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भुला दूंगा सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया, उसको जो है हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ही काबिलियत तारीफ। और अगर हम बात करें आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के सॉन्ग कल्ला सोना, तो आप सभी को बता दूं कि उनके निकले हुए तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं और उनको अभी तक जो है 23.5 मिलियन व्यू मिला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 23.5 मिलियन व्यू जो कि 24 मिलियन व्यू के बिल्कुल ही करीब है। तो उनका व्यू जो है इतना है, इसको भी हम कम नहीं मान सकते, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज जिसको बिग बॉस से पहले कुछ जानता नहीं था, उनके गानों को इतना व्यू मिलना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला पहले से ही इंडस्ट्री में है, टीवी इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, उन्होंने फिल्म में काम किया है और शहनाज गिल पंजाब की जो है बहुत जानी मानी एक सिंगर है। तो इन दोनों का जो है वीडियो सॉन्ग को इतना ज़्यादा प्यार मिलना ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन आसिम रियाज के गाने को जिस तरीके से दर्शक ने अपना प्यार दिया ये कोई छोटी बात नहीं होती है। क्योंकि आसिम रियाज इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि कौन है आसिम रियाज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गाने को जिस तरीके से प्यार दिया गया ये जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ये ज़रूर लग रहा है कि जो भुला दूंगा सॉन्ग है वो कभी ना कभी कल्ला सोना का जो रिकॉर्ड है, जो व्यूज है, उसके ऊपर जाएगा, ये बात लगभग तय है। लेकिन ऊपर चला भी जाए तो आसिम रियाज का गाना उनसे ज़्यादा हिट रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही जो है बॉलीवुड में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर चुके हैं और सब लोग जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला कौन है। लेकिन आसिम रियाज को कोई नहीं जानता था कि आसिम रियाज कौन है। तो कहीं ना कहीं आसिम रियाज की गाना इनसे अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो लीड कर रहे हैं और अगर जो सिद्धार्थ शुक्ला का सॉन्ग है वो उनसे आगे भी चला जाए तो बहुत आगे नहीं जा पाएगा, ऐसा बिल्कुल तय है। तो इसमें जो है अगर हम हिट माना जाए तो आसिम रियाज का सॉन्ग ही हिट होगा ऐसा लग रहा है, और यही जो है सभी सॉन्ग समीक्षक जो होते हैं, सॉन्ग एक्सपर्ट, उनका भी मानना है। इस पर आपके क्या है राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बने रहे AMN नेटवर्क पर।